जय हिंद दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का थंबनेल देखकर इस वीडियो पर आए हो तो मैं ये मान सकता हूँ कि या तो आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो या फिर आरआरबी जेई की तैयारी करना चाहते हो। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगी कि आरआरबी जेई में अगर हम एक बार रेलवे में जेई बन जाते हैं तो उसके बाद हमें क्या क्या उसमें मिलता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये वीडियो क्या है, टोटली आप लोग के लिए क्या है कि एक मोटिवेशन का काम करने वाली है। तो चलिए शुरू करेंगे वीडियो को बिना किसी डिले के। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सर आरआरबी जेई की, तो जेई में या फिर हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब की बात करें जनरली, तो गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, सबसे पहले कि सर हमको गवर्नमेंट जॉब ही क्यों चूज़ करनी है, प्राइवेट जॉब का भी हमारे पास ऑप्शन होता है और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो फिर गवर्नमेंट जॉब ही क्यों चूज़ करनी है। तो देखिए, सबसे पहले उसका आंसर जो होता है, सबसे बेस्ट आंसर जो माना जाता है वो आप लोग का माना जाता है कि सर यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी हमारे पास होती है। अगर आप सबसे पहले किसी से पूछोगे कि सर आपको गवर्नमेंट जॉब ही क्यों चूज़ करनी है, गवर्नमेंट जॉब भी क्यों लेनी है, तो उसका सबसे पहला आंसर होगा जॉब सिक्योरिटी होती है। जैसे कि कोरोना टाइम में क्या हुआ था कि जितने भी आप लोग की प्राइवेट्स कंपनियां थी या जो भी प्राइवेट एम्प्लॉय थे, उन सबको क्या कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था कि भाई अभी काम नहीं चल रहा है तो आपको यहाँ पर रख के क्या करेंगे, किस बात की सैलरी आपको देंगे, तो इसलिए उनको बाहर कर दिया गया था। जबकि दूसरी तरफ हम देखें जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जो किसी भी सेक्टर में थे, तो उनको क्या है कि कुछ ना कुछ पेमेंट मिला। कुछ सेक्टर तो मैक्सिमम ऐसे थे जिनको कंप्लीट पेमेंट मिला, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनको 50% तक पेमेंट देखने को मिला। तो जॉब सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है कि कोई ऐसी पोजीशन, ऐसा नहीं कि हाँ भी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो आपको कल को निकाल करके बाहर खड़ा कर देंगे। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि भाई किसी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है कि लोन, किसी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है कि सर घर वालों ने जितना पैसा था वो सारा पढ़ाई में लगा दिया, किसी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है कि सर घर वालों ने दूसरे किसी कैंडिडेट से पैसा लिया, लोन पर पैसा लिया और जितना हमारे साथ पैसा था वो सारा हमें कर दिया। अब मेरे पास क्या है, लोन का थोड़ा सा ओवरलोड है, तो इसलिए आरआरबी जेई की जो अपकमिंग वैकेंसी आ रही है, जिसका आप लोगों को मालूम है कि जो हमारे पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बोला था कि अभी 1.5 ईयर में 10 लाख जॉब मिलने वाली, जिसमें आरआरबी जेई को लेकर के जो हमारा सीनियर सेक्शन इंजीनियर है उसको लेकर के भी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन हमारा रिलीज़ किया गया था। तो उसी में हो सकता है किसी ने टारगेट किया हो कि सर मुझे आरआरबी जेई बनना है, और जो पैसा घर वालों ने लगाया है मेरी पढ़ाई के ऊपर, जो लोन लेकर के मुझे लगाया है, वो सब मुझे क्या करना है, पे करना है। तो ये एक मोटिवेशन का काम आप लोग के लिए कर सकता है, क्योंकि एक डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, एक ऐसी आप लोगों के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो पढ़ने के लिए आप लोगों को मजबूर करे। दूसरा हो सकता है किसी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, सर अपने आप को सेल्फ प्रूफ करना है, अपने आप को प्रूफ करना है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम दे लिए हैं, कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हमारे साथ हो रही है, घर वाले बोलते हैं, परिवार वाले बोलते हैं, मोहल्ले वाले बोलते हैं कि लड़का क्या है, पढ़ ही रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर प्रूव करना है, अपने आप को प्रूव करना है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा ये आप लोग के पास अवसर है जिसको आप क्या कर सकते हो, एक अपने कैरियर पाथ के रूप में उसको चूज़ कर सकते हो। तो वो आप लोग के पास है, एक ये भी हो सकता है, एक हो सकता है रिलेटिव्स का हो सकता है कि सर रिश्तेदार हैं ताना मारते हैं कि भाई तू तो 4 साल से 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, तेरा भी कुछ हुआ क्यों नहीं है, तो ये किसी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो क्या इन सब प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कर सकते हो आरआरबी जेई के थ्रू, जो आरआरबी जेई है आपकी वैकेंसी है, क्या उसमें आपको इतनी सैलरी मिलेगी, क्या उसमें इतना पैसा आप लोगों को मिलेगा कि जितने भी आप लोग के क्या हैं ड्रीम्स हैं या जो भी आप लोग के साथ प्रॉब्लम्स हैं वो सब रिजोल्व हो जाएंगी, क्या ये पॉसिबल है। तो चलिए एक एक की हम बात करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आरआरबी जेई का, आप देख सकते हो यहाँ पे हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्या सर इसमें सैलरी जो मिलती है किस प्रकार मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है, और वो जो सैलरी है हमको क्या वो हमारी ड्रीम अचीव करने में हेल्पफुल कर हो पाएगी कि भी नहीं, क्योंकि एक सैलरी हमारे लिए ऐसा मोटिवेशन होता है कि अच्छा सर इतनी सैलरी मुझे मिलेगी तो जो मेरे टारगेट से मैं इतने टाइम में उसको अचीव कर लूँगा और ये मुझे बहुत हेल्प करने वाला, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक तरफ हम अपने पर्टिकुलर्स को देखेंगे, एक तरफ हम अपने अलाउंसेस को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक पे की, तो जो बेसिक पे होता है हमारे पास इसमें वो हमारे पास होता है 35,400, यानी कि 35,400 रुपये आप लोग का क्या हो गया, बेसिक पे हो गया। अब इस बेसिक पे में क्या होता है, कुछ आपके डीएनएस अलाउंसेज होते हैं, जो डीए जिनको हम बोलते हैं वो हमको मिलते हैं इसमें, हमको ये डीए कितना मिलता है तो 17% मिलता है, 17%
जब आप 35,400 का 17% निकालोगे तो कितना आएगा आप लोग का, 6,018 रुपीज़ ये आप लोग का आ जाएगा। इसी तरीके से क्या आप लोग के पास हाउस रेंट अलाउंसेज, आप लोग कहाँ पे रह रहे हो उसके लिए भी आपको अलाउंसेज मिलते हैं, रहने के लिए भी आपको अलाउंसेज मिलता है, जिसको हम HRA बोलते हैं, और वो हमारे पास कितना होता है 24%। तो आप लोग का 35,400 का जब आप 24% निकालोगे तो कितना आएगा, 8,496 रुपीज़ ये आप लोग के पास आ जाएगा। फिर आता है TA, कहीं पर आपको आना जाना है तो उसके लिए ट्रैवल अलाउंसेज आप लोग को दिए जाते हैं रेलवे में, जो कि आप लोग के कितने होते हैं 3600 प्लस 3600 का 17% यहाँ पर हमको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो 3600 तो दिए जाएंगे आपको, फिर 3600 का 17% जो कि 612 आ रहा, तो ओवरऑल 4,212 रुपीज़ आप लोग को मिलते हैं, जो ट्रैवल अलाउंसेज के होते हैं, कहीं आने जाने के लिए होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग का ग्रोस सैलरी की बात करें, टोटल सैलरी की, तो देखो 35,400 रुपये होगी, 6,018 रुपये होगी, 8,496 रुपये होगी और 4,212 रुपये ही होगी। अगर हम टोटल सैलरी की बात करते हैं, अब आप इन सबको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आएगा 54,126, कितना आया 54,126 ये सैलरी हमको मिलती। अब आप कहोगे क्या सर इतनी कम सैलरी हमको मिलती, देखो भाई ये सैलरी होती है आप लोगों की 8 आवर्स की जॉब होती है। मैं रेलवे में आप लोगों को बता दूं, रेलवे में आरआरबी जेई की जो जॉब है वो बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है, और ये मान करके चलो आपको इसमें एक्स्ट्रा वर्क तो करना पड़ता ही है, तो एक्स्ट्रा वर्क का इसमें अलग से पेमेंट मिलता है। ये सैलरी जो आप लोग की 54,000 बैठ रही है, ये सैलरी आप लोग की 60,000 से लेकर के 65,000 तक सैलरी बैठती है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है आरआरबी जेई की एक ऐसी जॉब है, आपको पता नहीं साइट पे कब जाना पड़ जाए, कुछ एक्स्ट्रा काम भी आपको करना पड़ता है, कई बार 10-10 घंटे की जॉब भी करनी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा इशू इसमें रहता है। जो एक्स्ट्रा वर्क आप करते हो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलता है आप लोग को, ठीक है, ये रेलवे ने अलग से नोटिफाई कर रखा है अपने नोटिफिकेशन में, तो ये आप लोग के लिए है। यहाँ पर आप लोग मान सकते हो कि 60,000 तक आप लोग को सैलरी यहाँ पर मिलती है, तो सैलरी तो यार काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि हर तरीके का अलाउंसेज आप लोग को यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके बाद सर यहाँ पर क्या हमारे पास कैरियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, कैरियर ग्रोथ या कैरियर प्रमोशन है, अगर हम एक बार आरआरबी जेई में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद हम कहां तक जा सकते हैं, कहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। तो चलिए एक एक पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप आरआरबी जेई से स्टार्ट करोगे, एज ए जूनियर इंजीनियर स्टार्ट करोगे, फिर उसके बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर आप लोग प्रमोशन होगा आप लोग का, फिर उसके बाद असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर तक आप जा सकते हो, फिर डिविजनल इंजीनियर आप बन सकते हो, फिर जो सीनियर डिविजनल इंजीनियर हो सकता है वो आप बन सकते हो। तो ये क्या होता है, ग्रोथ पाथ होता है कि किस तरीके से हम क्या करते हैं। एक बार अगर हम आरआरबी जेई में सेलेक्ट हो जाएं तो एज अ जैसे जैसे हमको एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, हमारा परफॉर्मेंस रहता है उसके अकॉर्डिंग क्या हमारा उसमें क्या है इंक्रीमेंट या उसमें हमारा ये बोल सकते हो प्रमोशन होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही हम बात करें सर क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, तो मैंने सैलरी वगैरह का तो आपको बता ही दिया, जो फैसिलिटीज़ और पर्क्स होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। डियर एनएस अलाउंसेज हमको मिलता है, मैंने आपको बताया 17% होता है। मेडिकल अलाउंसेज अलग से होता है, अगर कोई फैमिली में बीमार हो जाए तो आपकी फैमिली तक को मेडिकल अलाउंस आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, आपकी फैमिली में मम्मी पापा वाइफ बच्चे उनको भी क्या है आप लोगों का मेडिकल अलाउंसेज मिलता है। ट्रैवल अलाउंसेज पूरी फैमिली को होता है, कहीं आना जाना वो सब फ्री रहता है आपका। एजुकेशनल अलाउंसेज बच्चों की जो पढ़ाई वगैरह होती है वो एकदम फ्री होती है। हाउस रेंट अलाउंसेज होता है, रेलवे ड्यूटी पास होता है, यहाँ पे फेस्टिवल कोई फेस्टिवल वगैरह उस पर अलग से आप लोगों को बोनस दिया जाता है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेज होता है, किस सिटी में आप रह रहे हो उस सिटी के हिसाब से भी आप लोग को जो ज़्यादा परसेंटेज आप लोग को दिया जाता है कि भाई ये मेगा सिटी में रह रहे हैं मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो इनका खर्चा ज़्यादा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उनका पेमेंट भी बढ़ा दिया जाता है। कुछ स्पेशल अलाउंसेज भी होते हैं ये आप लोग को प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को मिलती हैं। तो देखो यार सारी ओवरऑल चीज़ें आप देखोगे तो बहुत अच्छी होने वाली हैं, तो मैं तो आप लोग को यही बोलूँगा कि आरआरबी जेई में लग जाइए, मेहनत करिए आप लोग, क्योंकि वैकेंसी क्या है कि आप लोगों को मालूम है पहले भी 17-18 में आई थी, 2017-18 में आई थी और अब जा करके वैकेंसी आ रही है। अब आप इसको कह सकते हो कि भले कुछ लोग बोल लेंगे सर 2024 में इलेक्शन है तो इस वजह से ये आ रही है, देखो भाई कुछ भी हो हमें उससे क्या, आ तो रही है ना वैकेंसी, ये तो कंफर्म हो गया ना आ रही है, तो फिर प्रिपरेशन में लग जाओ। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो हमारा चैनल है VIP सिविल गुरु, इस पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल हमारा पड़ा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड। अभी मेरे साथ 50K सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, 50,000 लोग हमारे साथ उस चैनल पर जुड़े हुए हैं और काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट मैं आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप एक बार जा करके विजिट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में आरआरबी जेई की कोई भी लेटेस्ट अपडेट अगर आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कोई भी अगर अपडेट आती है आरआरबी जेई से रिलेटेड, कोई भी इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड, तो वो मैं आप लोग को यहाँ पर देता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बताना जरूर वीडियो कैसी लगी, लाइक करके शेयर करके और कमेंट करके, नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को किससे रिलेटेड चाहिए आरआरबी जेई में तो वो भी मैं आप लोगों को बना करके दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।